बोहर गांव के पहलवानों ने बनाया दंड सपाटे मारने का नया कीर्तिमान। 7.5 घंटे में मारे 6,000 दंड सपाटे। जैसा कि युवाओं और नौजवानों में दंड सपाटे मारने का प्रचलन लगातार हरियाणा में बढ़ता ही जा रहा है, उसी प्रचलन को आगे बढ़ाते हुए आर्य समाज व्यायामशाला नंदल भवन प्रांगण बोहर रोहतक में विकास, विनित, दीपक और प्रियांशु ने गत सुबह 2 बजे अपने कुछ दोस्तों को लेकर दंड सपाटे मारने शुरू किए और सुबह लगभग 9:30 बजे तक इन युवाओं ने एक बड़ा लक्ष्य दंड सपाटे मारने का पूरा किया। इस लक्ष्य को पूरा करते हुए विकास पुत्र जैक्सन नांदल उम्र 12 वर्ष बोहर द्वारा 6,000, प्रियांशु उम्र 16 वर्ष द्वारा 5,000, विनित वरिंद नांदल उम्र 17 वर्ष द्वारा 5,100 तथा दीपक पुत्र नरेश द्वारा 5,300 दंड सपाटे मारे गए। चारों ही पहलवान अखाड़े में पहुंचे और दंड सपाटे मारने का काम शुरू किया। इन युवा पहलवानों द्वारा बड़ी संख्या में दंड सपाटे मारे गए और एक बड़े कीर्तिमान की तरफ बढ़ते चले गए। इन युवा पहलवानों द्वारा यह दंड सपाटे किसी पूर्व तैयारी अथवा योजना के तहत नहीं मारे गए हैं, बल्कि यह उनके मजाक का ही एक परिणाम है। परंतु अब उनका हौसला बना हुआ है और उन्होंने यह निर्धारित किया है कि वह जल्दी ही दंड सपाटे करने का एक बड़ा कीर्तिमान देश के मौजूद व्यक्तियों और संस्थाओं की हाजिरी में व्यवस्थित रूप से स्थापित करेंगे और ऐसा कीर्तिमान स्थापित करेंगे कि शायद दुनिया में इनके स्थापित किए हुए कीर्तिमान को कोई ना तोड़ पाए। आर्य समाज बोहर तथा आर्य हनुमान सेना द्वारा युवा पहलवानों को लगातार आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया गया। युवा पहलवानों द्वारा अपना कीर्तिमान लगभग 7.5 घंटे में पूरा किया गया। युवा पहलवानों ने भविष्य में भी इस कीर्तिमान को लेकर गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड तथा लिम्का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड आदि बड़ी संस्थाओं में दर्ज कराने का मन बना लिया है। इससे पहले ऋतिक पहलवान द्वारा इसी स्थान पर 8,200 दंड सपाटे मार कर कीर्तिमान स्थापित किया गया था। इस अवसर पर हनुमान सेना के प्रधान संरक्षक आर्य रूपेश कुमार शौरान, आर्य समाज बोहर के पूर्व प्रधान आर्य यशवीर नांदल, किरण शौरान एडवोकेट अध्यक्ष हनुमान सेना, युवा मोटिवेटर बबित नांदल, कैप्टन दयानंद नांदल, देवेंद्र सिंह नांदल, भारत पहलवान ऋतिक पहलवान कपिल आर्य, दीपक नांदल, साहिल, मनोज आदि अनेक मौजूद रहे। सभी ने पहलवानों के इस प्रयास की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।